गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो गाइज, हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की कुछ लास्ट क्लासेस में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर रहे थे गाइज, और क्वेश्चंस की एक सीरीज हमारे पास थी। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम वहाँ पे गाइज एक्सप्लेन कर रहे थे, उनको सॉल्व कर रहे थे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर नेट में आए थे, नीट में सॉरी, और जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जेईई के थे, कुछ क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के, और कुछ क्वेश्चंस थे हमारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के। तो गाइस, उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस है गाइस हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो बहुत सारे एग्जाम्स में गाइस हमसे पूछे भी जाते हैं, राइट। जैसे कि नीट लो या जेई मेन्स का एग्जाम लो, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे हुए होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ए मेजर्ड टेम्परेचर ऑन फॉरेनहाइट स्केल इज 200 फॉरेनहाइट, व्हाट विल बी दिस रीडिंग बी ऑन डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ गाइज, जब केवल आपको 11th की टेक्स्ट बुक तक के लिए पढ़ना था, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। वो क्वेश्चन जो था वो डिपेंड कर रहा था कि कैसे आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिग्री सेल्सियस में अगर कोई टेम्परेचर है और अगर आप उसमें 273 को ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो यहाँ टेम्परेचर आएगा गाइज, वो किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा आपके पास ये टेम्परेचर? केल्विन में आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो यहाँ इंटर कन्वर्जन है, वो इंटर कन्वर्जन फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच है। किस किस के बीच है? फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की कन्वर्जन स्केल को पहले देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट -32 इंटू 5/9। ये जो फॉर्मूला है हम गाइस अप्लाई करते हैं किसके लिए? अपने डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में इंटर कन्वर्जन करने के लिए। आइए इसी के बेस पे इसका सेवर सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या बोलता है गाइस कि टेम्परेचर फॉरेनहाइट का है 200, कितना है गाइस? 200 डिग्री -32 इंटू 5/9। और जो ये हमारे पास टेम्परेचर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। यानी कि डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में टेम्परेचर इस तरह से चेंज हो सकता है। कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को आगे। 200 -32 इंटू 5/9। 200 -32 होता है गाइज 168 इंटू 5/9। 168 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 8 जा 40 0 4 5 6 जा 30 34 4 5 1 जा 5 और 3 8/9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये क्या आ जाएगा गाइस? 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81, उसके बाद बचेंगे 3 3 0 हमारे पास हो जाएगा गाइस 30, और 9 3 जा 27 पॉइंट, फिर से 3 बचे तो यहाँ पे आएगा 93.33। यानी कि मेरा जो टेम्परेचर है वो आया 93.3 डिग्री सेल्सियस। ये था हमारे पास फॉरेनहाइट में, और ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? डिग्री सेल्सियस में, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो सी यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर है। लिख लीजिएगा इसको। ये हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर रहे हैं। मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस है वो ग्रुप में भी सेंड करूंगा। कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है गाइस? लिखिए इसको।
करिए इसको गाइस। दोनों ही स्केल्स आपको पता होनी चाहिए। एक स्केल होती है जहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में प्ले करते हैं, एक स्केल होती है जहाँ पे फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस प्ले करते हैं। दिस इज द फार्मूला, ये गाइस फॉर्मूला है अपने सवाल को करने का। कर लीजिए गाइस जल्दी से, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन भी लिखना है और आपको सॉल्यूशन भी करना है। मेरे लिए तो ये पूरी एक पीडीएफ है, आपके लिए क्वेश्चंस भी है और आपके यहाँ सॉल्यूशन भी है। इससे आपको आईआईटी जेईई और मेंस के एग्ज़ाम में तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊँगा अभी, या मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए भी है जो यहाँ से पूछे हुए हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आपसे करवाऊंगा, जो आपका डाउट आएगा वो मैं आपसे क्लियर करूंगा, सोल्व करूंगा उसको आपसे बातचीत करके। बातचीत का जो माध्यम है वो हमारा लाइफाई लर्निंग एप्लीकेशन में चैट बॉक्स भी हो सकता है, हमारा बातचीत का माध्यम हमारा व्हाट्सएप बॉक्स भी हो सकता है, हमारी बातचीत का माध्यम हमारा मोबाइल का टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, और हमारी बातचीत का माध्यम एक फ़ोन कॉल भी हो सकता है, जिसको मैं सबसे बेहतर समझता हूँ। व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल्स और लर्निंग ऐप पे अगर आप मुझे अपने डाउट्स पूछते हैं तो मैं आपको फ़ोन कॉल्स करके उस डाउट का निवारण करूँगा, अगर आपको कहीं भी करते हुए डाउट आता है तो। इसको लिख लीजिए गाइज, आप फ्रीज करके लिखते रहिए, हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं गाइस, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बोलता है, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। आपसे वो मोलैरिटी को कैलकुलेट कराना चाहता है। क्या कराना चाहता है आपसे गाइस? मोलैरिटी को कैलकुलेट कराना चाहता है। मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि मोलैरिटी इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। क्या आप ये जानते हैं कि नहीं जानते? आप ये जानते हैं। आप फर्दर इसको फॉर्मूले को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो गिवन मास अपॉन मोलर मास के लिए होते हैं। एन किसके लिए है? एन यहाँ पे सोल्यूट के लिए। किसके लिए गाइज? सोल्यूट के लिए है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं फर्दर लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वी एम एल मल्टीप्लाइड बाई 1000। आ जाइए एक बार इसमें वैल्यूज को रख लेते हैं। मोलरिटी इक्वल्स टू होगा गिवन मास कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। आपको ये भी पता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, और आपको ये भी पता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 500 ml है। साथ ही साथ आप मेरे प्यारे बच्चे NaCl का मोलर मास भी निकाल सकते हैं। कैसे? मास रखते हैं 5.85 ग्राम अपॉन मोलर मास जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो मोलर मास मेरे पास आएगा 58.5। कैसे आया? NaCl का मोलर मास निकाला। NaCl का होता है गाइज, NaCl का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, और दोनों का ऐड करने पे याद आ जाएगा 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं
58.5 ग्राम मोल इनवर्स इंटू वॉल्यूम कितना दिया आपको 500 ml इंटू 1000 ग्राम से ग्राम गया राइट 20 से ये 20 खत्म क्लियर। और इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, जितने भी पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं उनसे ही नीचे 1 के सामने जोड़ देते हैं, और अगर इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा इज 10 राइट। 58.5 से 58.5 कट जाएगा, 100 से ये 100 भी कट जाएगा, यानी कि मेरे पास जो आंसर आया वो आया 1/5, केवल यहाँ से 5 बचा 1/5, और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं गाइज 0.1, क्या लिख सकते हैं 0.1 0.1 मोलर इज द आंसर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 मोल पर लीटर। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ये हमारे पास दो आंसर गाइज तैयार है, समझ में आई बात? इसका भी सॉल्यूशन लिख लीजिए, ये सप्लीमेंट्री में मैंने आपसे करवाया। फोर मोलिकुलर मास ऑफ NaCl, इससे ऊपर ऊपर हमारा सवाल है और उसका आंसर भी है, क्लियर है? तो 0.1 इसमें आंसर नीचे की तरफ होगा, अभी देख लेंगे। आप पहले आंसर लिखिए, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है जी? लिख लीजिए गाइस, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इसका कौन सा आंसर सही है। 0.1 आना चाहिए, यूनिट्स भी चेक करो, मोल लीटर इनवर्स यानी कि मोल पर लीटर, मैं आपको चेक भी करा दूंगा गाइस। क्वेश्चन लिखिए फटाफट, जल्दी से लिख लीजिए गाइस। जल्दी से लिख लीजिए गाइस, आगे चलते हैं। फ्रीज करके लिखते रहिएगा, फॉर्मूला में सब कुछ आपको रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कैसे कर रहे हो, राइट है? ये मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा और यहाँ नीचे बचेगा लीटर, मोल पर लीटर या मोलर, क्लियर? चले आगे गाइस, लिख लिया होगा, आगे चल रहे हैं हम, ठीक है? आगे चले,
फ्रीज करके इसको लिख लेना, आगे चलते हैं। तो पॉइंट वन हमारा आंसर आया था, सॉरी पॉइंट वन नहीं गाइज, एक प्यारी सी जो मिस्टेक हमने की है वो ये की है कि हमारा जो m आया था वो आया था 1/5, और 1/5 को हम लिखते हैं 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 इज द राइट आंसर। वो 1/5 को 0.2 लिखेंगे, मैंने मिस्टेकनली उसको 0.1 लिख दिया। 5 2 10 पॉइंट आगे जीरो लगा लेंगे, 5 2 10 0.2 मोल पर लीटर, क्लियर है, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे चले, आगे चलते, आगे चलते हैं गाइज। वेट फॉर ए मिनट, फोर्थ क्वेश्चन पे हम होगा आगे, राइट है गाइज, फोर्थ क्वेश्चन हमारा टारगेट है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं गाइज, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आया हुआ है, एक बार मेंस के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इफ 500 ml ऑफ ए 5 mol सोल्यूशन इज डायल्यूटेड टू 1500 ml, कितना गाइज 1500 ml तक अगर इसको डायल्यूटेड करते हैं, वॉट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेंड। यानी कि आपके पास एक सोल्यूशन है, क्या है आपके पास एक सोल्यूशन है जो 500 ml है और 5 mol है, आपने क्या किया इसके अंदर बहुत सारा पानी मिला दिया और पानी मिला के वॉल्यूम हो गया 1500 ml। तो अब ये पूछता है कि इसकी मोलरिटी कितनी है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो गाइस इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए किसी भी सॉल्यूशन के जब हम लोग डाइल्यूटेड उसका डाइल्यूशन करते हैं या कंसंट्रेशन करते हैं तो दोनों सॉल्यूशंस के मिली इक्विवेलेंट्स जो है वो एकदम सेम रहते हैं, यानी कि मिली मोल्स एकदम सेम रहते हैं। और हमारे पास एक फॉर्मूला आता है m1v1 = m2v2। m1v1 होता है फॉर ए सॉल्यूशन ए और m2v2 होता है फॉर ए सॉल्यूशन बी, ये एक ये बी। इस सॉल्यूशन का m कितना है, इस सॉल्यूशन का m है गाइज 5। इस सॉल्यूशन का v कितना है, वो है गाइज 500। इस सॉल्यूशन की m2 आपको निकालनी है और v2 इस सॉल्यूशन का आपको दिया है 1500 ml, क्लियर है। तो m2 यहां से आएगा 5 × 500 / 1500, क्लियर, 20 से 20 एकदम कट जाएगी, क्लियर एंड कट। उसके बाद 5 से 15 थ्री टाइम्स और हमारे पास आएगा इज 5/3। 5/3 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 1 = 3, राइट, पॉइंट 2 बचे, जीरो लगाया, 3 × 6 = 18, फिर से 2 बचे, जीरो लगाया, 1.66 mol जो होगी उसकी कंसंट्रेशन आएगी। और फोर्थ का हमारे पास आया गाइज सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको ये फॉर्मूले से गो थ्रू होना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है पूरी 11th and 12th and JEE एंड नीट। आप अपने किसी सीनियर भाई बहन से पूछ लेना जो जेई या नीट के 12th में एग्जाम की तैयारी करने जा रहा होगा, पूछना कि ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या,
ये फॉर्मूला उसे पढ़ाते हैं स्कूल में, जो अच्छे टीचर्स होते हैं स्कूल में काम आता है ये फॉर्मूला टाइट्रेशंस में। अभी आप लोग जब आपके स्कूल्स स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोग स्कूल्स में टाइट्रेशन करोगे। क्या करोगे गाइस? टाइट्रेशन करोगे। टाइट्रेशन करते हुए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फॉर्मूला गया यहीं से है। क्लियर है? लिख लीजिए गाइस, ये फॉर्मूला लिख लीजिए और लिख लीजिए कि अगर किसी का डाइल्यूशन हम करते हैं तो कैसे हम वहां पे उसकी कंसंट्रेशन सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। लिख लीजिए गाइस। लिख लीजिए गाइस जल्दी से। हो गया होगा गाइस, ये क्वेश्चंस तो वो छोटे छोटे से है, आंसर्स निकालने की टेक्निक बस आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ये तो हम भी पढ़ते थे कि वन मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। ये तो हम भी जानते थे, हमने ही पढ़ाए, तो इसने कुछ नहीं बताया, इसने तो और हेल्प कर दी हमारी कि अगर कोई बच्चा भूल भी गया था तो इसको वापस से वो याद कर ले, इतना प्यारा आदमी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ये आपके पास चार ऑप्शंस दिए हैं और आपको पता करना है कि किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। आप जानते हो केवल एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्यों ना हम इनकी जो गिवन अमाउंट है इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर ले। तो फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्स हो गए गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास जो दिया हुआ है हमें वो है 4 और मोलर मास है इसका 4 × 1, यानी कि इसके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 मोल है, यानी कि इसके पास जो एटम्स है वो है 6.022 × 10^23 एटम्स। पहले पार्ट का तो हमने निकाल लिया गाइस,
बात करते हैं सेकंड पार्ट के लिए, और सेकंड पार्ट के लिए n की वैल्यू है गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू 2, यानी कि इसके लिए जो नंबर ऑफ एटम्स है वो है 2 × 6.022 × 10⁻²⁰ एटम्स। अगर एक मोल में इतने हैं, दो मोल में दो गुना हो गए। अगर इसकी बात मैं करूं थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पे n हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, और कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, और ये आ जाएगा गाइस 0.1। कितना आ जाएगा ये गाइस? 0.1, यानी कि इसके पास हो गए 0.1 × 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। अगर बात करते हैं 12 ग्राम हीलियम की, तो 12 ग्राम हीलियम का यानी कि फोर्थ ऑप्शन मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो गाइस उसके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल्स टू किसके हो गए? गिवन मास 12 ग्राम और मोलर मास होता है गाइस 4 ग्राम। कितना होता है? 4 ग्राम। 4 × 3 जा, यानी कि 3 मोल्स इसके पास आए, यानी कि इसके पास जो एटम्स हो गए वो एटम्स इसके पास प्रेजेंट हो गए 3 × 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। अब तुम्हारे पास चार मैंने नंबर्स डाल दिए बोर्ड पे सोल्व करने के बाद। एक जिसके पास 6.022 है, एक जिसके पास दो गुने हैं, एक जिसके पास 0.1 ही तो और भी कम हो गया, और एक इसके पास तीन गुने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है वो लगा है कि 12 ग्राम हीलियम के पास 3 मोल है, मतलब उसमें हर एक के मुकाबले 3 × 6.022 × 10⁻²³ एटम्स है। मतलब कि फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन। क्या है वो? फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 12 ग्राम हीलियम के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स गाइस प्रेजेंट है। इसको फटाफट लिख लीजिए। और फोर्थ पार्ट का जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट का तो यहाँ पे है, सेकंड पार्ट का यहाँ पे है, थर्ड का यहाँ पे, और फोर्थ का मैंने नीचे किया हुआ है। ये डेफिनेशन हमें पहले से ही पता हुई थी, इसमें हमने कुछ नया नहीं किया। लिख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन भी। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करने आने आपको चाहिए। आपको जस्ट सब में कंपेयर करना है, आप देख के नहीं बता सकते कि किसमें कितना है। आपको क्या करना पड़ेगा? आप ग्राम के हिसाब से बता सकते, नहीं तो आप बताते कि 46 ग्राम सबसे ज़्यादा है उसमें होगा। नहीं, आप केवल मोल्स के अंदर जानते हो कितने होते हैं। You have to calculate the number of moles. Otherwise, you will not do the solution. कर लीजिए इसको जल्दी से।
इसको फ्रीज करके लिख लीजिए गाइज, देन आगे चलते हैं। फ्रीज करके लिख लीजिए, आई एम गिविंग यू द टाइम टू राइट, टू फ्रीज, टू पोज, राइट एवरीथिंग। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं कैसे सोल्व होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दो कंसंट्रेशंस में आपको चेंज करवा रहा है। देखो अगर मैं आपको कंसंट्रेशन के चेंज करने वाले क्वेश्चंस ना कराता तो आपसे ये क्वेश्चन ही ना होता है। ये बोल रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर। आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक परसेंटेज वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम पढ़ाई थी, और परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम मैंने बताया था कि आपको क्या बताना है उसके बारे में। तो इसने बताया है कि कंसंट्रेशन जो है वो 0.9 ग्राम पर लीटर है। आइए एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या बोलनी चाहती है। ये जो कंसंट्रेशन से दी है ये बोलना चाहती है कि भैया 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसके, 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही बताया था मैंने, ग्राम होता है मास, लीटर होता है वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन दी है, यानी कि इतना मास इतने लीटर में घुला हुआ है। पर लीटर का मतलब होता है एक लीटर में इतना मास घुला हुआ है, किसका, ग्लूकोज का। तो इतना सब कुछ पता करने के बाद आपको क्या पता लगा, इतना सब कुछ पता करने के बाद आपको पता लगा कि गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 0.9 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। पता लगा कि नहीं पता लगा, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, व्हाट विल बी द मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि मोलैरिटी इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो फिर हम यहाँ पे किसी 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, और नंबर ऑफ मोल्स को भी आप डब्ल्यू बाई एम इंटू वी इंटू लीटर करके लिख सकते हो। एम क्या है, एम है मोलर मास, किसका मोलर मास, इस ग्लूकोज का मोलर मास, किसका मोलर मास, इस ग्लूकोज का मोलर मास। और ग्लूकोज के लिए जो मोलर मास है वो क्या होगा, वो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि मोलिकुलर मास ऑफ C6H12O6 इक्वल्स टू 6 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है 16, 72 प्लस 12 एंड 96, 96 क्लियर। 6 और 2 8 और 2 10 0, 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14, 9 और 1 10 और 7 17 और 1 18, 18 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास, राइट। रखते हैं यहाँ पे सब कुछ इसके अंदर रख लेते हैं, गिवन मास है 0.9 ग्राम, मोलर मास है 180 और वॉल्यूम है 1, क्लियर। इस पॉइंट को हटाओ और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आया 9/18 इंटू 100। लिख सकता हूँ इस 0 को और इस 10 को एक साथ 100 लिख सकता हूँ, क्लियर है। आगे फर्दर सॉल्व किया, 9 2 जा आपके पास आया 1/2 इंटू 10^-2, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 को आप लोग लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10^-2, और 0.5 इंटू 10^-2 को आप मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं 0.005,
दो जीरो लग जाएगी मोलर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ आया? कुछ नहीं करना पड़ा, सारा का सारा खेल इसका था। क्लियर है जी? हो गया गाइस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस है वो हमारे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस है, मतलब इसमें आपको अच्छे अच्छे बहुत अच्छा लेवल मिलेगा आपको क्वेश्चंस करने का, आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं गाइस। अगर ये आप पूरी सोल्व कर जाओ ना, तो समझो कि आपको चैप्टर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जल्दी से लिखिए, इसका मतलब है ये, इट मीन्स एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस को करते हुए निपुण नहीं हो जाओगे तब तक मैं आपको क्वेश्चंस करवाता रहूंगा गाइज, आप फिक्र मत लो, मैं हूं आपके साथ। आपके जेई मेंस तक के क्वेश्चंस, नीट तक के क्वेश्चंस मैं इन्हीं से करवाऊंगा। पहला चैप्टर ऐसा है जो सीख गया ना, जैसे होता है ना जब किसी दुकान पे काम करने के लिए किसी वर्कर को लगाया जाता है तो उसको बोला जाता है कि भाई तू पहले स्क्रू ड्राइवर चलाना सीख, है ना, बोलते कि भाई तू प्लास चलाना सीख, तू पेंच कसना सीख। ये सब वही सवाल है, यानी कि ये इतने बेसिक सवाल है कि विदाउट डूइंग दिस कंसंट्रेशंस निकालना, तो ये मानो कि केमिस्ट्री में जैसे बच्चे को खाना खिलाते हैं फीडिंग करने के लिए वैसा है, नहीं निकाल पाओगे तो होगा ही नहीं। एक चैप्टर नहीं है इससे रिलेटेड, कम से कम भी 7 से 8 चैप्टर इससे रिलेटेड है पूरी 11th और 12th के, और ये क्लास स्पेशली जो है वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगला सवाल इससे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार, उम्दा, बेहद एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करवाए हैं। जब वो मोलैरिटी देके, मोलैरिटी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से पूछता है ना, वो एडवांस में आते हैं आईआईटी के एडवांस के पेपर में, वो तक भी मैंने नहीं छोड़े। तो चले आगे गाइस,
इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं, पोज करके लिख लीजिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल, सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। देखो मोलैलिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर वो ग्राम में है तो आप यहाँ उसकी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। बताओ था कि नहीं था ऐसा। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट इन ग्राम इनटू 1000, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना प्यारे बच्चों। इसके बाद मोलरिटी निकालने के बाद इसके जो हमें गिवन वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं। 18.25 ग्राम दिया है अपॉन वेट ऑफ मोलर मास, इसका कितना होता है HCl के लिए मोलर मास होता है 1 + 35.5 = 36.5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 36.5। क्लियर है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो हमें वेट दिया है वो दिया है 500 ग्राम इंटू 1000। क्लियर है, 5000 से 100 कट जाएगा, 2 times, कितने टाइम कट जाएगा इज 2 times। इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं क्या बन के आया हमारे पास जो हमने किया। हमारे पास आया 1825 इंटू 2 अपॉन 365 इंटू 5 इंटू ये 10 से 10 गया 1/10, ये हमारे पास आया। तो 365 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, देखते हैं ये कितनी बार इससे कटता है, क्या बता इसके सीधा सीधा ये उसमें आता हो, तो इसका जो है वो हम करके देखते हैं। 365 इंटू 5, 5 जा 25, 5 2, 5 6 जा 30 और 2 34, 3 5 3 जा 15 और 3 18, 18 4 5 होते हैं गाइस, कितने होते हैं 365 से 18.25 डायरेक्ट कट डाउन नहीं होता। नहीं नहीं गाइस सीधा कट होता है, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 2, यानी कि 365 से 5 टाइम्स कट जाएगा ये और 5 से 5 कट जाएगा ये, हमारे पास आएगा 2/10, कितना आएगा गाइस 2/10, सॉरी ये 5 तो यहाँ से हट ही जाएगा, 5 टाइम्स ये कटेगा क्योंकि मैंने इस पूरे के पूरे 5 से ये 1000 2 बार काटा था। क्लियर है, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 5 2 से होता है 10 और 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 molar, कितना आ जाएगा आंसर गाइस 1 molar और हमारा आंसर है 4th। देखो अब ये आंसर तुम्हें कैसे कन्फ्यूज करेगा, नोटेशंस का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ इसने बोला है 1 molar कैपिटल M और यहाँ बोला है स्मॉल M, आपसे उसने मोलैलिटी पूछी है जो स्मॉल M से रिप्रेजेंट होती है, मोलैलिटी होती है कैपिटल M से रिप्रेजेंट, पूछा आपसे मोलैलिटी है, अगर आप सेकंड ऑप्शन को करेक्ट लगा दोगे तो आप आंसर मोलैलिटी का नहीं, आप आंसर मोलैलिटी का दे रहे हो, किसका दे रहे हो मोलैलिटी का दे रहे हो, लेकिन आपको आंसर किसका देना है मोलैलिटी का, किसका मोलैलिटी का, तो आपको स्मॉल m को ही राइट ऑप्शन पे क्लिक लगाना है। देखा ये सवाल कितना, मतलब ये सवाल है जी मेंस में आने वाले सवाल है, ये आते हैं वहां पे, ये एकदम से बच्चा जल्दबाजी में एक पे लगा के आगे चल जाता है क्योंकि खोया इतना रहता है, किसको पता ही नहीं होता कि ये 1 molar मोलैलिटी पूछी हुई थी कि मोलैलिटी पूछी हुई थी। क्लियर है, नोटेशन से पकड़ लेना आंसर, लिख लीजिएगा जिसको भी।
लिख लीजिएगा ये जल्दी से। आगे चलते हैं, अब आप ये देख लीजिए कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है क्या सीरीज से एनसीईआरटी एग्जामिनर के सारे क्वेश्चन उससे हो रहे हैं नहीं हो रहे। यू कैन जज योर टीचर टू बाय द कंटेंट ही प्रोवाइडेड थ्रू द क्वेश्चंस, थ्रू ए क्वेश्चनेयर, सीरीज ऑफ क्वेश्चनेयर से आप लोग पहचान सकते हैं कि जितना पढ़ा है उतना सफिशियंट है या नहीं। यार कम तो नहीं पढ़ाया, फालतू भले ही पढ़ गया हो ठीक है, लेकिन कम नहीं पढ़ने के। आगे चलते हैं गाइस, सिक्स क्वेश्चन एट क्वेश्चन की बात जरा करना एक बार। तुमने कर लिया ये क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराया, कराया कि नहीं कराया? मैंने बताया था कि तुम्हें ये कंसंट्रेशंस दी हुई है, मैं एक बार फिर से तुम्हें बता देता हूं। ये जो दिया 100 ml ऑफ 0.2 मोलर 0.2 मोलर स्टेसोफोर, मैंने कहा था इसको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो इसका जो होगा वो होगा 0.02 इक्वल्स टू n अपॉन 100 इंटू 1000 कटा 0.02 अपॉन 10 इक्वल्स टू n। तो n की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर -3। तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये नंबर ऑफ मोल्स आए, क्या है ये नंबर ऑफ मोल्स, तो वो हो जाएंगे 12.044 इंटू 10 की पावर 20। कैसे? 6.022 इंटू 10 रेस टू पावर 23 इंटू 2 इंटू 10 रेस टू पावर -3। तो ये 23 में से 3 गए तो यहाँ पे तो बचा गाइस 10 की पावर 20 और ये आया 12.044। फर्स्ट इसका राइट आंसर था। ये मैंने तुम्हें कराया है, ये मैंने तुम्हें बहुत तसल्ली से क्लास में कराया, इसकी टेंशन मत लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन था वो, ठीक है। इसको छोड़ते आगे चलते हैं। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन करो। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू कितना कितना होता है इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ एटम
अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 100। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। कितने कार्बन है? केवल एक कार्बन, और कार्बन का मास कितना होता है? 12। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है? 12 + 32 = 44 × 100। काट दो 4 से 4 3 = 51 तो कितना आया? 300/11 11 × 2 = 22 8 बचे 80 11 × 7 = क्लियर। उसके बाद पॉइंट कितने बचे? कितने बचे गाइस? 11 × 7 = 77 3 बचे। उसके बाद 3 उसके बाद आया गाइस 3 बचे तो 11 × 2 = फिर से 22 फिर से 7 27.27%। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ये तो मैंने आपको बताया है मास परसेंटेज निकालना। तो ये मैंने कराया आपको, उसको मैं रफ कर देता हूं। क्लियर है? ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करना है। सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं गाइस, देखो ये है इस क्लास को करने का सही मतलब। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इत्मीनान से हो रहे हैं, बहुत सही मतलब हम लोगों ने पढ़ा है। हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं, यानी कि जितना हमने अब तक इस कॉन्सेप्ट से सीखा है वो बिल्कुल 101% बिल्कुल एग्जैक्ट सीखा है गाइस। हार्ड से हार्ड, आसान से आसान, टफ से टफ, इजी टू इजी, सब क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रीज करके इसको लिख लेना, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है गाइस, डोंट वरी अबाउट दैट। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया है, यहां पे मल्टीप्लाई लगा लो। करेगा इस आगे करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, करना है। आगे चलते हैं, इसको फ्रीज करके लिख लेना। देखो और कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा, केवल 27.27 ही मिल रहा है। ये मैंने आपको करा दिया, द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड आर CH2O एंड 180 ग्राम रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, C6H12O6 इसका आंसर आया था। ये भी हमने कर लिया गाइस। इलेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेवेंथ क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3.12 ग्राम पर ml, द मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर इज। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेंसिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था। इसका मतलब क्या होता है बता दो? नहीं बताओगे इसका मतलब? इसका मतलब होता है 31.12 ग्राम ऑफ सॉलिड, हमें नहीं पता सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो होगा, सॉलिड इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, सॉल्यूशन
3.12 ग्राम, फिर से गलत लिखा, सोल्यूट, इज डिजोल्व्ड इन पर एमएल 1 ml ऑफ सोल्यूशन। अब देखो अगर 1 ml का मास है 3.12 तो 1.5 कितना हो जाएगा, 3.12 इंटू 1.5 ग्राम, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3.12 इंटू 1.5 की मल्टीप्लाई करके क्या आया 10, और ये आपका आया क्या गाइज 6 और 5 213 6864, ये आया गाइज 4686 ग्राम 4.686 ग्राम, ये तो आंसर आया, लेकिन इसने इसको सिग्निफिकेंट फिगर में मांगा हुआ है, इनसिग्निफिकेंट फिगर इज, तो ये तो उसका साइंटिफिक नोटेशन है, ये क्या आएगा गाइस इसका साइंटिफिक नोटेशन है, 46.8 तो आया ही नहीं, ये तो आंसर ही गलत है, 4.7 ग्राम भी नहीं आया और 4.680 ग्राम भी नहीं आया, 4.680 यानी 0 0, तो राइट आंसर रहेगा इसका 4.680, क्या आंसर रहेगा इसका 4.680, और सिग्निफिकेंट फिगर में इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर का, ये बताता हूँ क्या होता है, अगर 0.5 से छोटा नंबर है, यानी कि 5 से छोटा नंबर है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं नंबर की बात करूँ तो ये नंबर 5 से बड़ा है, तो ये 5 ये 8 हटा दो और इसमें 1 जोड़ दो, यानी कि 4.6 जो है वो 4.7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4.7, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये इसका सिंपल आंसर है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना, यानी कि जितने भी आपके पास नोटेशंस है उसको आप कम से कम नंबर में रिप्रेजेंट कर सको, उसको बोलते हैं गाइस सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो होगा 4.7 ग्राम। ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये तो है ही रॉन्ग, और ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर है, जिसमें भी आपसे पूछे उसमें दे देना, अगर साइंटिफिक नोटेशन में मांगता है तो आप लिख देना 4680 इंटू 10^-3 4.680, एग्जैक्ट है ही इसका आंसर जो आया है निकल के, क्लियर है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर में इस 6 को हटाने के लिए ये 8 को हटा दिया और इसके अंदर 1 जोड़ दिया, अगर ये होता 4, अगर ये क्या होता गाइज 4.64 होता, क्या होता ये 4.64, तो फिर हम इसको 4.6 ही लिखते, ये 4 क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है तो हम इसमें नहीं जोड़ते, लेकिन अगर ये है 4.68 या 4.66 तो दोनों का ही सिग्निफिकेंट फिगर 4.7 है, क्लियर है, लिख लीजिएगा जी इसको। गाइस 11 क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट आई वांट टू गिव यू दिस सम होमवर्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 12, दिस स्प्रेडशीट दिस पीडीएफ फाइल आई विल सेंड टू यू, आई विल शेयर इट विद यू गाइस,
यू विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम 11 12 20 मतलब क्वेश्चन नंबर 12 टू 22 12 से 22 तक के क्वेश्चंस आप करेंगे। इस लेक्चर को आपने देखा है, आप सुन रहे होंगे, 12 से 22 तक के क्वेश्चंस करेंगे। सैटरडे इवनिंग में ही आपके पास पीडीएफ फाइल शेयर हो जाएगी। दिस वीडियो यू विल वॉच ऑन मंडे। बिफोर दैट यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। 12 से लेके आगे तक के सारे क्वेश्चंस हम शेयर करेंगे, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।